तो भाई आगरा से खबर है जहां कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी के 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया है। ये जानकारी मिल रही है। घटना रकाबगंज थाना क्षेत्र की है। तहरीर पाकर पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। वहीं मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर लगे CCTV भी खंगाले हैं, जिसमें आरोपी बोरे में भरकर कैश ले जाते हुए दिख रहा है। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कई जगहों पर पुलिस दबिश भी दे रही है, तो कैश लेकर कर्मचारी फरार ही बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार हुआ है कर्मचारी, और जो CCTV कैमरे में कैद भी हो गया है। अब पुलिस ने इस CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने हिरासत में कई लोगों को भी लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी कैश या बैंक के भोजन जमा होता था, तो उनके जो कर्मचारी थे वो कैश लेके आए थे और उनके एक कर्मचारी को यहाँ हैंड ओवर करके चले गए थे, और वो कर्मचारी को पैसा बैंक में जमा करना था जी। लेकिन वो कर्मचारी जब शाम तक अपने कंपनी में पहुंचा नहीं, तो कंपनी वाले ने हमें सूचना दी, और सूचना पे आके हम मौके पर देख रहे हैं। इसमें सभी तरह की पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, सर्विलांस स्वाट और SOG सबकी टीम लगी हुई है जी। और साथ में थाना लेवल से भी करीबन 10 टीमों का गठन किया गया है, और जो अलग अलग जगहों पर कैमरे देख रहे हैं, और हम लोग आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का मुख्य